एक ईमानदार अते उच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक दीन दुखियां दी सेवा करना अपना फर्ज समझन वाले बीबी बख्शीश कौर अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए गुरु चरणा विच जा विराजे। उन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए खंड पाठ साहिब जी दे पाठ दे भोग पिंड कालो जिला शहीद भगत सिंह नगर उन्हां दे ग्रह विखे पाए गए। इस मौके ते कई राजनीतिक अते धार्मिक शख्सियत पुज्जियां जिन्हां ने बीबी बख्शीश कौर जी नूं श्रद्धा दे फुल भेट किते। इस मौके ते आए कीर्तनी जथे वल्लों विरागमी कीर्तन किया गया अते आईआं संगतां नूं गुरु चरणा नाल जोड़िया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब
शब्द के बेटे संसके पिता है जिन्हें बुलाया ने कीर्तन जैसे ने गल की है कि इस सारा कुछ पहला निश्चित है पर सारा कुछ निश्चित होने ना सातों फैल क्यों नहीं होता उदा सिर्फ एक कारण है असि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सोच पढ़ाई नहीं होंगे पर जो जाते हैं उस वे छोड़े का बाप तब नहीं करता है कई कुछ जी सा परिवार कदों जाना किसी ने सामने मतलब किसी भी नहीं है मौत का सब सारे पता ही है क्योंकि मजबूर ही हो गया है अजय बारे कोई बंदा भी ऐसा नहीं ना पता हो मौत साडे सिर ते खड़ी है बावजूद भी अस मौत दीआं गल्लां बार बार इसलिए करते हैं भी मौत सानू डरावनी क्यों लग रही है मौत तो डर क्यों लगता है हुण इह भाई साहब बचन कर रहे सी महाराज दा हुक्मनामा लैण तों पहलां मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद वो जरा मरना है जो पूर्ण आनंद है वो शरीर मौत नहीं है जे शरीर मौत वाली मरना परमानंद लेना हो तो हिलते हुए मारे काम करने की सोच ही ना आवे फिर तो जेड़ा भी मर गया परमानंद पहुंच गया एदा नहीं है मेरे वीर भैनों के मुताबिक अजय लाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह केल कहंदे हांजों अचेंते वार पए अचानक समा आ गया बीबी विशेष कौर साडे कोलों सानू हमेशा याद करदा रहेगा क्योंकि जिस तरह सारे नूं पता है कि उन्हां दी उम्र बहुत घट सी अजे जिम्मेवारियां बहुत सन उन्हां दे और इस परिवार नूं बार परिवार नूं जिहड़ा उह दुख छड गया बहुत औखा समय इस परिवार के उत्ते जिस तरह तेग साहब ने दसिया कि जदों गुरु की बख्शिश होंदी है तो औखा समा भी गुरु की बख्शिश के नाम निकल जाता है और मौत एक अटल सच्चाई है हर एक इंसान के उत्ते आनी है समा निश्चित है समा स्थान ते वक्त सारा कुछ निश्चित है बहाना बनता है और प्राणी जन्म तो पहला यह आत्मा पता नहीं कितने सी मौत तो बाद पता नहीं कितने लड़ाई मार जानी है लेकिन जन्म तो लेके मौत तक का समा साढ़े हर वास है श्री गुरु के आशीर्वाद के मुताबिक जिंदगी में बसर कर सकते हैं आई आकिया तेरे हम बताया नाम धन पुछी ना मता पकाया ऊट सदायो शूटर माटी देख नानक मिथन वासा हे सबना मारना आया विशोरा सबना पुछो बजाए सियाणिया आगे मैं कहना जिना मैं साहेब विसरे बटरी देना क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना हुए जेकर सह मरना ना विसरे ता सहदा मरना मौत जीवन का सब तो भयंकर काम है इस संसार के जो सत सजा दिखी जाती है वो मौत की सजा है पर इहदे कोई मिसाल नहीं आपां दे सकदे कोई आदमी रात भर के जोर करके कोई आदमी बहुत चतुरबुद्धि करके कोई आदमी शरीर कबाल करके मौत नूं अगे पिछे कर सकदा गुरु ग्रंथ साहिब सिंह दे रहे हां कि बादशाह शाह बापारी मरना आणा आवै जाए उस वक्त दे दम ते मौत जिहड़ी है उस अकाल पुरख दा हुक्म है ओहदे पाणी अंदर जिहड़ा जीव है ओहदा जन्म हुंदा है ओहदे पाणी अंदर जिहड़ा जीव है ओहदी मौत हुंदी है पर जदों मनुख के जीवन में कोई यह जी दुर्घटना वापर जाती है जाना है ये मनुख को खुशी खुशी नहीं मानता
ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ